अरे हमारे के यहाँ बहुत समस्या बड्डे है अब हम क्या कहें हम कहने से भी डर लगता है और ना कहने से भी डर लगता है हमारे समस्या यह है कि ना हमारा बिजली है ना लाइन है ना तो कोई आवास मिला है ना कोई रोजना मिल रहा है एक सड़क भी हम लोगों का यह मिला है हु. और लोग कहते हैं कि एक बाइक का रास्ता है और बाइक का रास्ता से कैसे गाड़ी जाएगा कि वहाँ खमा गड़ेगा अच्छा। यह विकास का रास्ता है बंका टोला पिंडारी जो कि जराहा में है वहाँ को जाता है नाम का विकास है क्योंकि विकास तो सिर्फ कागजों पर दिखता है नमस्कार मैं हूँ विजय आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक यह टीचरों के अवकाश के जैसा ही दिखने वाला कागजी विकास है यह टोला जो आज तक बिजली के खंभों और तार से और उनकी चका से दूर है देखिए हमारे नए साथी प्रदीप जायसवाल ने इसकी रिपोर्टिंग की है हम जन से जुड़े जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और उसी कड़ी में देखिए क्या है रिपोर्ट आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक बूथ रिपोर्टर प्रदीप कुमार जायसवाल नाम है तेज बली क्या समस्या है समस्या यहाँ बहुत है भाई साहब समस्या के बारे में यहाँ लाइट बढ़ती नहीं आ रहा है जो है लड़के बच्चे लोग सभी पाती से लाइट से पढ़ते हैं। अच्छा क्या नाम है आपका रामप्रीत रामप्रीत क्या समस्या है, अरे लाइट नहीं आ रहा है बहुत। कितना दिन हो गया लाइट करीबन अभी तक नहीं पहुँचा आपके यहाँ बहुत दिन हो गया तब पर भी कितना साल दो साल तीन साल तीन साल हो गया तीन साल के आम को देखने में नजर आ रहा है कि अभी तक पोल जैसा कि तार भी नहीं गड़ा है तो यहाँ मान लीजिए कि जब से आप लोग का घर बना है तब से अभी लाइट यहाँ नहीं पहुँचा है, है ना नहीं है नहीं आपका ज्वाला ज्वाला क्या है? समस्या क्या है समस्या है कभी तक अभी तक लाइन पोल नहीं ग्राम सभा और आप लोगों ने एप्लीकेशन जैसे बिजली विभाग में और क्या विधायक के यहाँ सांसद के यहाँ और जन प्रतिनिधि जितने भी हैं आपके ग्राम प्रधान किसी को आप समस्या का समाधान के लिए एप्लीकेशन दिए हैं पत्रक पत्रकेशन आपके यहाँ दिए दिए हैं कब हैं अरे हो गया दो तीन रोज आए हैं देख कर ही अच्छा क्या बोले उन्होंने उन्होंने बोला कि समस्या मतलब कि दूर हो जाएगा एक दो रोज के बाद आपके पास लाइट खम्मा सब गड़ जाएगा अच्छा अभी तक मतलब कि अभी तो पता नहीं चला दो तीन दिन हो गया अच्छा अच्छा गांव का क्या नाम है गांव का नाम तो अपना पिंडारी है और टोला टोला बूढ़ा सटे हुए बंका है अच्छा क्या नाम है आपका रामपति देवी समस्या क्या है अरे हमारे क्या बहुत समस्या बड्डे है अब हम क्या कहें? हम कहने से भी डर लगता है या ना कहने से भी डर लगता है हमारे समस्या यह है कि ना हमारा बिजली है ना लाइन है ना तो कोई आवास मिला है ना कोई रोजना मिल रहा है एक सड़क भी हम लोगों का यह मिला है हुँ. और लोग कहते हैं कि एक बाइक का रास्ता है और बाइक का रास्ता से कैसे गाड़ी जाएगा कि वहाँ खमा गेगा अच्छा अच्छा हाँ ऐसे जैसे ठेकेदार लोग कहते हैं अच्छा ठेकेदार से आपने बात किया है हाँ ठेकेदार से हम कल कल जाके बात किए हैं अच्छा तो क्या बोले वो कहे है कि वहाँ एक बाइक का रास्ता है वहाँ नहीं जा पाएगा गाड़ी अच्छा और हम लोग देखते हैं कि यहाँ भाई दूठे चापा कल हमको विधायक दिया है तो कैसे यहाँ गड़ा है रोड का गड़ा है तो हम लोग खिसिया के आपस आ गए है अच्छा अच्छा सबसे बड़ा सवाल ये है कि सोनभद्र जो पूरे देश को बिजली दे रहा है उसके यहाँ ही ऐसे बिना बिजली के तार वाले कितने टोले कितने गांव हैं यह आपको परत दर परत हर रिपोर्ट पर हम आगे दिखाते आएंगे विकास का जो दम्ब मोदी सरकार और योगी सरकार भरते हैं वो उज्ज्वला योजना से लेकर के सारी योजनाएं क्या इस गांव का रास्ता भूल गई हैं या यहाँ नहीं पहुंच पाती हैं अगर ऐसा है तो क्या इसके पीछे इनकी गरीबी है या ग्राम प्रधान का अनदेखापन अगर ग्राम प्रधान चाहे तो कोई भी टोला कोई भी मोहल्ला बिना बिजली पानी के नहीं रह सकता और यहाँ सड़क तो ठेकेदार साफ तौर पर कह रहे हैं कि बाइक वाली है तो यहाँ बिजली के खंभे और तार दौड़ाना बहुत मुश्किल होगा तो क्या विधायक जब वोट मांगने आते हैं तो यहाँ पैदल चल करके आते हैं और अगर इस बार गाड़ी से आते हैं तो इन गांव वालों से गुजारिश होगी कि उनको पैदल आने के लिए बोला जाए या सिर्फ बाइक से आने के लिए बोला जाए क्योंकि इस रास्ते में विकास के चार पहिया वाहन मना है ऐसा यह गांव वाले नहीं वो बिजली के खंभे लगाने वाला ठेकेदार कर रहा है विधायक कितना और कितने लोगों का दुख दर्द दूर करेगा जब तक उसको खबर लगेगी उसके पास कोई पत्र आएगा तब तक कमीशन खोरी और घूसखोरी के जंजाल में फंसा यह जिला शायद इन जैसे लोगों की जरूरतों से बहुत दूर चला जाएगा यह बच्चे हैं यह पढ़ने वाले बच्चे हैं ढिबरी जलाकर पढ़ते हैं और मज़ेदार बात यह है कि इनको मिट्टी का तेल भी नसीब नहीं होता है इनकी पढ़ाई आने वाला भविष्य आप समझ सकते हैं कि यह सरकारें विकास के नाम पर इनको सिर्फ फावड़ा और मजदूरी का तमगा ही देंगी ना कि इनको कोई अधिकारी बनने देंगी डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा चलाने वाला यह अभियान शायद इनकी डगर पे बहुत बड़ी सवाल या निशान पैदा करता है क्योंकि जहां बिजली के खंभे और तार ही नहीं पहुंचे वहां डिजिटल ऑनलाइन इंटरनेट क्या कमाल करेगा यह आप खुद सोचिए और देखिए रिपोर्ट क्या नाम है बाबू कृष्णा कृष्णा किस क्लास में पढ़ते हो कक्षा तीन कक्षा तीन में कैसे पढ़ाई करते हो बार के।, बार के आदिवासी बच्चे दोहरी मार झेल रहे हैं इसलिए कि यह सिर्फ इस गांव का मामला नहीं है ये सोनभद्र की ज्यादातर आबादी जो की ऐसे आदिवासी और गरीब लोग हैं उनका अपना दर्द है यहाँ या तो स्कूल बंद हैं या तो स्कूल से मास्टर नदारद हैं अगर उनके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे तो वो छुट्टियों का बहाना बनाकर अधिकारियों के द्वारा मैनेज कर लिया जाएगा यह विधायक हरिमाम चेरो का इलाका है जो यह माना जाता है कि कम से कम उनको इन चेरो लोगों का दर्द पता होना चाहिए इनकी अपनी टीस उनको महसूस होनी चाहिए हम लोकल न्यूज ऑफ इंडिया आपकी आवाज बनने के लिए आतुर हैं। आगे देखिए रिपोर्ट क्या नाम है चाचा आपका आदन। आदन। समस्या क्या है समस्या कुछ लाइट नहीं पहुंचा है ना? जब से बस्ती बना है अभी तक मान लीजिए आपके यहाँ लाइट नहीं आया है ना? यानी कि आपके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत काफी समस्या हो रही है ना ज्यादा हो रही है अभी तक यहाँ पोल और तार कुछ भी नहीं गड़ा है ना? कुछ, कुछ भी नहीं कुछ उसका कुछ नाम ही निशान अभी तक नहीं है नहीं है ना चलिए ठीक क्या नाम है आपका रामधनी रामधनी समस्या क्या है समस्या ये है सर काका ना हमारे टोला में लाइट नहीं आया पूरा ग्राम पिंडारी में चौ बगल हमारे गांव के लाइट हो गया है हमारे बीच में क्यों लाइट नहीं आ रहा है अच्छा पिंडारी टोला यहाँ टोला का नाम क्या है बंका।, बंका टोला है बंका टोला और जो कि इसके जैसे पिंडारी में मैंने कि कितना टोला आता है करीबन चौदह टोला आता है चौदह टोला चौदह टोला में अभी मान के चलिए कि हमको देखने में नजर आ रहा है कि शायद दो तीन टोला में ही बाकी रह गया आ, है आ, जी सर और यहाँ अभी तक जब से आप निवास कर रहे हैं जब से मकान आप बनाए हैं आज दिन तक यहाँ बिजली का संचालन पूर्ण रूप से अभी तक यानी कि पोल और तार का कोई नाम निशान ही नहीं यहाँ है ना हुआ है, नहीं हुआ है। अच्छा आप कुछ कहना चाहती हैं जी सर इसलिए करना चाह रहे हैं कि मतलब हम लोग को लाइट बत्ती का दिक्कत है बच्चे लोग तीन हमारे बच्चे लोग पढ़ते हैं हमारे पांच पांच लड़के हैं अच्छा। पांच लड़के में तीन लड़के हमारे पढ़ रहे हैं और पढ़ने निकले में लोग को दिक्कत है कभी डिबरी बाते हैं कभी ललटेम लहाते हैं कभी आगे काठी से जला के पढ़ाते हैं अच्छा। उसी की वजह से रात में उन लोग को पढ़ाई नहीं करने देते हैं दिन में पढ़ाते हैं क्या देख कर लिखे पढ़ेंगे ठीक ठीक पाँच पाँच बच्चे लोग हैं हम लोग ना राशन कार्ड है सचिव के पास गए प्रधान के पास गए और अगल बगल जो जिसको अधिक सोचे है उसी को बात बतियाए हैं लेकिन वो लोग, हम लोग राशन कार्ड अब जरा सोचिए कि अगर इनका राशन कार्ड बनाने के लिए इनको दर दर भटकना पड़ रहा है तो हर हर मोदी घर घर मोदी का वो नारा क्या तेल लेने गया है बुरा जरूर लगेगा लेकिन यह सवालिया निशान आपको बहुत कुछ सीखने को बोलता है बताइए तो जोर से बोले। तो है कि हम इतना गरीब है गरीब को वजह से ना घर छा पा रहे हैं ना कुछ है, ना परेशानी में ना है न शौचालय मिला है ना एस, एस नवास मिला है न तो गैस सिलेंडर मिला है कुछ हमको सरकारी तो हम अच्छा अच्छा और क्या कहते हैं लाइट है कि नहीं नहीं है और लाइट के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं जैसे लाइट के बारे सरकार बोले हैं कि लाइट देंगे तो लाइट दे। देख रहे हैं अभी कहिया तक मिलेगा तब तक, तक, अच्छा सर अच्छा। क्या नाम है आपका सुनीता सुनीता जी ये बताइए लाइट का समस्या कब तक यहाँ से है जब तक बसे हैं जब तक बसे हैं तब तक समस्या नहीं है अच्छा सर अच्छा। आप लोग यानी कि जब से यहाँ घर बना है अभी तक यहाँ बिजली का संचालन नहीं हुआ है ना देखिए यह समस्या है और क्या कहते हैं कि यहाँ के जो जन प्रतिनिधि आप लोग अप्लीकेशन शायद दिए हैं ना हाँ दिए हैं दिए हैं तो कुछ उत्तर आपको मिला रिस्पांस नहीं मिला ना चाची जी आपका क्या नाम है केस देवी क्या, क्या? देवी अच्छा समस्या लाइट का है ना लोकल न्यूज ऑफ इंडिया है नाम का लोकल लोकल का नारा देने वाला नहीं बल्कि आपके गांव गली कूचे की आवाज दिल्ली तक पहुंचाने वाला लोकल न्यूज ऑफ इंडिया हमारे रिपोर्टर सीधे आपसे जुड़े होते हैं रिश्ते के साथ जहां चाचा चाची कहना अलाउड है बाकी पत्रकारों की तरह धमका कर आपके दिल की बात को जानने की कोशिश ना हमने की है और ना हमें करने की जरूरत है क्योंकि हम बिना लाग लपेट के सीधे बोलते हैं और यह आपको बुरा लगता है तो लगे लेकिन हमारे विधायक हरी राम चेरो जी को शायद इस वीडियो को देखने के बाद इनके यहाँ आस पास के टोलों की तरह चमक बरकरार करने की कोशिश करनी चाहिए और वो करेंगे भी जरूर ग्राम प्रधान को भी थोड़ी बहुत शायद समझ आए और साथ ही प्रदीप की इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए इन बच्चों का भविष्य जगमग करें